फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर गाइज हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है। जैसे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, एक वीवो का फ़ोन हमारे पास डेड कंडीशन पे गाइज ये रिपेयर में आया है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले गाइज इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने USB चार्जर से। ठीक है, ये है हमारा USB चार्जर। यहाँ पे कोई भी फ़ोन अभी कनेक्ट नहीं है। अभी हम सिंपली इस वाले फ़ोन को एक बार कनेक्ट करते हैं आपके सामने। तो ये हमारा चार्जर इस तरीके से सिंपली हम इसके ऊपर गाइज इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो भाई, जैसे हमने इसके ऊपर इंसर्ट करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0 जो है एमपैड ले रहा है, मतलब 2 एमपैड ले रहा है। और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ना डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक शो हो रहा है, ना कोई लाइट शो हो रहा है, ना कोई ब्लू लाइट आ रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे 2 एमपैर कंज्यूमर है। एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है बट ऑन नहीं है, बट जो कि डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा है, बाकी एक नॉर्मल कंडीशन में लग रहा है हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है, सेट ऑन ही नहीं है, फ़ोन बिल्कुल ही डेड कंडीशन पर है। ठीक है, चलो अब कैसा है, क्या दिक्कत है, उसको हम चेक करेंगे। उसके लिए एक बार डीसी मशीन पर भी फोन को लगा के दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी ये तो हो गई क्लियर है, यहाँ पे यूएसबी चार्जर पे 2 एम्पेयर हमारा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार अपने जो है डीसी मशीन पर लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाइस ये लाइट के ऊपर थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है, बाकी हमारा जो मल्टीमीटर है वो पूरा 0-0, ये देख सकते हो 0-0। ठीक है, अभी गाइज इसका जो बूट केबल है वो हम सिंपली इसके ऊपर लगाएंगे। ये है इसका बूट केबल। लाइट को मैं गाइज एक बार ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो LEDs है वो थोड़ी से देख लो किस तरीके से चल रही है वीडियो में। ठीक है, कैमरे पे लाइट थोड़ा ऑफ करता हूँ, थोड़ा स्टेबल हो गया है आपको यहाँ पे, अभी ये ज़्यादा ये हो गया है। देखो गाइज ये पूरा 0-0 है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे केबल को कनेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ एक बार पहले, और इस वाले केबल को गाइज मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको गाइस यहाँ पे देखो मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो गाइस, जैसा हमने इसको कनेक्ट किया तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि 51 ले रहा है ऑटोमेटिकली, जो रीडिंग है वो 51 की रीडिंग ले रही है, देख सकते हो। मैं यहाँ पे लाइट ओपन कर देता हूँ एक बार फिर से देखता हूँ। देखो गाइस, अभी यहाँ पे शायद साफ ही नहीं दिख रहा होगा आपको, बाकी देख सकते हो 51 50 रीडिंग ले रही है, मतलब जो रीडिंग है वो ऑटो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि डिवाइस शॉर्ट है। बट आपने USB चार्जर के ऊपर देखा कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन पे जैसा हमारा फ़ोन होता है उस तरीके से जो हमारा फ़ोन है वो बिल्कुल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब गाइस इसको हम चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर से। ठीक है, तो मल्टीमीटर को मैं थोड़ा सा साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से फ़ोन कर देता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा साइड करके। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे गाइस हमने ऑन कर लिया है। अभी गाइस इसके अंदर जो है वो हमारा जो डीसी मशीन है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक साइड बीप आ रही है, दूसरे साइड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 400 कुछ है। ठीक है, रिवर्स में अभी फॉरवर्ड चेक करते हैं, 2700 कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हमारा डिवाइस दिखा रहा है। ठीक है, अभी गाइस देखो, ये हमारी पावर ऐसी, ठीक है, इसके जस्ट बगल में हमारा VPH आता है, ये मीडिया टेक है, तो VSIS की लाइन आती है, VSIS सिस्टम की लाइन आती है इसके अंदर। ठीक है, कॉलकम में VPH बोला जाता है। ठीक है, बाकी ये VBAT का कनेक्शन है, जो DC to DC IC के जो आउटपुट पे वोल्टेज होती है उसको VSIS कहते हैं हम। ठीक है, VYFY। ठीक है, तो चलो अब एक बार जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कैप लगे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारी सप्लाई आती है VPH की या VSIS की। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं गाइस। देखो तो यहाँ पे देखो 398 कुछ रीडिंग दिखा रहा है, देखिए शॉर्ट, मतलब डीसी मशीन पे शॉर्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे अगर रीडिंग में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 300 कुछ है। अभी रिवर्स वाइज में हमने चेक किया, अभी फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेता हूँ तो 800 कुछ है, मतलब तो शॉर्ट तो है गाइस, ये हाफ शॉर्ट के कंडीशन पे है, लीकेज में है ये। ठीक है, 800 कुछ शो हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से बिल्कुल ओके आ रहा है। अभी और एक ही करके कैप चेक कर लेते हैं, देखो 300 कुछ है, चलो कोई नहीं, एक बार और चेक करते हैं कहीं पे, देखते हैं कोई जो है। देखो गाइस ये हाफ शॉट है, ये तो फाइंड हो गया बिल्कुल क्लियरली, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो बीप साउंड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है। अभी गाइस इसके ऊपर जो बक क्वाइल यहाँ पे लगा हुआ है,
इस सभी बक कॉइल की रीडिंग को भी हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बक कॉइल की रीडिंग को लेते हैं तो यहाँ पे 400 कुछ रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अभी ये जस्ट वाले को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो 89 आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको गाइस हम यहाँ पे चेक कर ले तो गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शायद गाइस ये शॉर्ट आ रहा है, देख सकते हो 0.001 की एम्पेयर शो हो रहा है, मतलब मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है, जीएल शो हो रही है, इसका मतलब गाइस ये शॉर्ट है, ठीक है। चलो अब इसको आगे हम देखते हैं, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 300 कुछ आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है गाइस, ये बक लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, ये वाली जो लाइन है। और आपको मालूम है कि बक जो हमारी लाइन होती है ये एम्पेयर हाई करती है, वोल्टेज को लो करती है, ठीक है। अभी इसको एक बार हम जो बजर मोड के ऊपर जो है वो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, 0.6 के साथ ये शॉर्टिंग आ रही है, जो कि शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे कम से कम आपको जो है जैसे इस पे रीडिंग आपको देखने को मिला 89, तो यहाँ पर भी 75, 70, 80 इस तरीके 89, 85 पे रीडिंग आनी चाहिए थी। तो गाइस कहीं ना कहीं ये जो है ये शॉर्ट है हमारा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट है गाइस, या तो ये सीपीयू के लाइन में शॉर्ट है या तो ये हमारे पावर लाइन के अंदर शॉर्ट है, ठीक है। बट आपने डीसी मशीन के अंदर देखा कि ये जो रीडिंग है वो जीरो, हमारा जो रीडिंग है वो ऑटो कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब गाइस ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पावर आईसी है वो खराब है, ये पावर आईसी हमारी शॉर्ट है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमने देखा है इस कंडीशन पे, ये भी लीकेज कंडीशन भी है, देखो यहाँ पे जब हम इसको चेक कर रहे हैं VCC की लाइन पे, तो यहाँ पे जो है वो 800 कुछ हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये आपको लीकेज कंडीशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस ये जो पावर आईसी है वो शॉर्ट है और इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा बक लाइन भी शॉर्ट है और जो हमारे VCC की लाइन होती है वो हाफ शॉर्ट कंडीशन पे है, ठीक है। तो ये गाइस हमारा जो है वो, इसको हम पावर आईसी को निकालेंगे, ये पूरा ब्लैक पेस्टेड होता है, तो हम अभी माइक्रोस्कोप पे चलेंगे और इसकी जो पावर आईसी है उसको निकालेंगे, फिर हम एक बार देख लेंगे अपने मल्टीमीटर से, अगर ठीक रहेगा तो हम पावर आईसी दूसरा इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो चलो इस पावर आईसी को एक बार चेंज हम करके देख लेते हैं। सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है इसकी पावर आईसी गाइस चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक पेस्टेड आईसी थी और हमने गाइस इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। चलो अब एक बार इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर जो शॉर्टिंग आ रही थी वो अभी है या नहीं है, ठीक है। अभी हमने इसको चेक नहीं करा है गाइस। सबसे पहले कोई भी आईसी आप लगाते हो तो एक बार शॉर्टिंग जरूर चेक कर लेना। कई बार आईसी लगाने के वक्त भी शॉर्टिंग हो जाता है आईसी, या फिर कई बार आईसी शॉर्ट हो जाती है लगाने के वक्त, तो एक बार जरूर उसको चेक कर लेना, ठीक है। देखो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बक कॉइल चेक करेंगे जो शॉर्ट आ रहा था। देखो अभी गाइस सबसे पहले हमने बक कॉइल चेक किया तो कितनी रीडिंग आ गई इसकी, 145, ठीक है। जस्ट बगल में कितनी आ गई देखो, यहाँ पे 215, जो कि 89, 85 भी रहता है तो चलता, ठीक है। फिलहाल जो है रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल
हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जब इसकी जो VCC की लाइन है इसकी, जिसको जहाँ पे 300 कुछ था तो 400 कुछ है, तो ये चलता है, ठीक है। अभी फॉरवर्ड वाइज में एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो गाइस कितनी रीडिंग आ गई, 2000 रीडिंग आ गई, मतलब GR जो है इसकी 2000 आ गई। पहले कितनी रीडिंग आ रही थी, 800 रीडिंग आ रही थी, मतलब हाफ शॉर्ट लीकेज कंडीशन पे था। अभी रीडिंग कितनी आ गई, 800 के समथिंग रीडिंग आ गई। इसका मतलब गाइज ये है कि जो हमारा जो बक लाइन शॉर्ट था वो भी ठीक हो गया, हमारा जो इसके अंदर लीकेज आ रहा था, मतलब जो 800 के समथिंग कुछ लीकेज शो हो रहा था, हाफ शॉर्ट कंडीशन में डिवाइस था, वो भी गाइज सॉल्व हो गया। ये पेस्टेड आईसी होती है, उसको हमने जो है अच्छे तरीके से इसको रिवॉल्व करके, मतलब ये आईसी हमारे पास थी, इसको हमने अच्छे से क्लीन करके जो है वो लगा दिया है। पुरानी वाली आईसी ये है, ठीक है। चलो अब तो मेन है चेक करने की बारी, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब कुछ हमने कर दिया है, यहाँ पे जो है शॉर्टिंग वगैरह भी हट गई है, तो अब एक बार देख लेते हैं इसको, इसको हम सब लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बार इसको फिर से चार्ज पे लगाते हैं मोबाइल को, ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो गाइस अभी आप देखो जैसे हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो यहाँ पे चार्जिंग का सैम्बल बन के आ चुका है, और इसकी अगर एम्पेयर पे बताऊँ तो देख सकते हो 1.3 एम्पेयर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे 1.1 ले लिया। अभी देखो अभी यहाँ पे देखो चार्जिंग का जो सैम्बल है वो भी गाइज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइज ये है कि फ़ोन के अंदर जो डेड की प्रॉब्लम थी वो गाइज फिलहाल जो है हमारी ठीक हो गई है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। देखो गाइज ये सेट चालू भी हो गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो गाइज उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए गाइज, ठीक है। फिलहाल हम सेट को कंप्लीट ऑन होने का वेट यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले वेट कर लेते हैं एक बार कि सेट जो वो हमारा कंप्लीट ऑन होता है या नहीं होता है, बाकी कंप्लीट ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब सेट हमारा ऑन हो गया तो कंप्लीट भी ऑन हो ही जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं एक बार, और देखो भाई सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट ऑन हो गया, ठीक है। चलो इसको स्लाइड करते हैं, तो लॉक का इस ओपन ही है इसका, लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सेट जो वो हमारा कंप्लीट जो वो ओके हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।